नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से योगेश फार्मेसी चैनल पर। आज हम बात करेंगे ऐसी लाइलाज बीमारी के बारे में, यानी कि जिसका कोई इलाज नहीं है। दोस्तों, यह बीमारी बच्चों में आजकल बहुत ही ज्यादा पाई जा रही है और लोगों को इसके बारे में पहले से पता नहीं होता है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं वह कौन सी बीमारी है, कैसे हो जाती है और इससे बचने के क्या क्या रास्ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इस बीमारी का नाम है थैलेसीमिया। यह एक तरह का एनीमिया है जिसमें हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल बहुत ही कम हो जाता है, या ये कह लें कि हीमोग्लोबिन की जो चेन होती है वो थोड़ा अलग तरह की हो जाती है। दोस्तों, थैलेसीमिया से पीड़ित जो बच्चा होता है उसके माँ बाप दिखने में बिल्कुल साधारण लगते हैं, उनका जीवन बिल्कुल सही चल रहा होता है। बट सडनली जब वो बच्चा 3 से 6 महीने का होता है तब पता चलता है कि उसके बॉडी में ब्लड बढ़ ही नहीं रहा है, यानी कि उसको हर कुछ ही हफ्ते में ब्लड देने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, कहते हैं कि इस बीमारी का इलाज पॉसिबल नहीं है, यानी कि यह बीमारी ला इलाज है, बट स्टेम सेल थेरेपी या कॉर्ड ब्लड बैंकिंग के थ्रू इसका इलाज पॉसिबल है, बट स्टिल इट इज नॉट 100% प्रूवन ट्रीटमेंट। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इससे बचने का क्या रास्ता है। सिर्फ एक रास्ता है और वह है कि इस बीमारी के होने से पहले हम जांच करवा लें कि यह बीमारी है या नहीं है और हम डिसीजन ले सकें कि आगे हमें इसमें बढ़ना है या नहीं बढ़ना। अब ये कैसे पॉसिबल है? यदि कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसका हम टेस्ट करवाएंगे जिससे हमें पता लग जाएगा कि उसके अंदर थैलेसीमिया ट्रेट वाले जीन्स प्रेजेंट है या नहीं है। यदि है तो उसके पार्टनर या उसके हस्बैंड का टेस्ट करेंगे। यदि उसके पार्टनर के अंदर नेगेटिव आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि लेडी भी पॉजिटिव है और उसका हस्बैंड या उसका पार्टनर भी पॉजिटिव है तो बच्चे के अंदर थैलेसीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, एक टेस्ट होता है शादी के पहले जिसको बोलते हैं प्रीनेटल टेस्टिंग, जिसके दौरान हमें पता लग जाता है कि बेबी को थैलेसीमिया है या नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है या नहीं है, तो मैं कहूंगा जी बिल्कुल है। आप शादी के पहले ही टेस्ट करवा लें कि आपके पार्टनर के अंदर इस पर्टिकुलर ट्रेड की जीन्स है या नहीं है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि विश्व में कई देश ऐसे भी हैं जहाँ ये टेस्ट कंपलसरी है प्रेगनेंसी के दौरान, और एक देश ऐसा भी है जहाँ अगर आपने टेस्ट नहीं करवाया तो आपको आपका मैरिज सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता। मतलब इस कदर लोगों को इसके बारे में जागरूकता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में कई लोग ऐसे भी हैं जिनके अंदर ये पर्टिकुलर ट्रेट है और उनको पता भी नहीं है। अगर आपके अंदर ये ट्रेट है तो आपको कभी पता नहीं चलेगा जब तक कि बेबी नहीं होगा, मतलब कितनी बड़ी विडंबना है। इसलिए दोस्तों, थैलेसीमिया का जांच करना, इन्वेस्टिगेट करना बिफोर मैरिज, या इवन इफ यू आर नॉट डन इट, अगर आप बेबी होने के पहले करवा लें तो आप बहुत बड़ी तकलीफ से बच सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर डिसीज पे या किसी मेडिसिन पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने की।